अरे हेल्दी यू इज अ हेल्दी नेशन। तो इस शो के पहले सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे आजकल लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज इन ट्रेंड आजकल। वैसे मैंने जो देखा है, आप कहीं पे भी चले जाएं, हाल ही में अपने एक फ्रेंड की शॉप पे गया था, मानिए शॉप पे भी उसने क्या बोला कि गर्म पानी के दो ग्लास ले, हम लोग अपने आप ग्रीन टी डाल लेंगे। सो ग्रीन टी का बहुत ट्रेंड बढ़ गया। ये ग्रीन टी कहाँ से आई, क्या चीज़ है? एसपी, ग्रीन टी अभी नहीं आई है ट्रेंड में। ग्रीन टी 4000 साल पुरानी है। ग्रीन टी चाइना में इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई थी, जापान, वियतनाम, सारे वेस्टर्न कंट्री से होता हुआ अब ये हमारे पास इंडिया में आया। ठीक है, हम इंडियंस चाहते हैं कि हमें ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें मिलें अच्छी तरीके से, जो पूरे वर्ल्ड ने जिस चीज़ को मान लिया अब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्रीन टी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? ग्रीन टी एसपी एक ही पौधा होता है जिसको हम कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। सो ये जो पौधा है, इसी पौधे से आगे चाहे हम जो अपनी रोज़ाना चाय पीते हैं दूध डालकर, ब्लैक टी या ग्रे टी या उलोंग टी, ये सारी जो चाय है एक ही पौधे से बनती है जिसको कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है। बेसिकली उस पौधे के लीव्स को सुखाया जाता है, अलग अलग उसके प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन या फर्मेंटेशन। तो ग्रीन टी का जो केमिकल प्रोसेस है वो अलग है, इसलिए वो ग्रीन टी है। उलोंग का कोई और प्रोसेस है, इसलिए वो अलग है। तो पर बेसिकली ग्रीन टी ऑक्सीडाइज्ड है, उसमें कैटकिन्स है। कैटकिन्स जो एक कंपाउंड है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हम लोगों की इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो ग्रीन टी कैटकिन्स की वजह से बहुत हेल्दी मानी जाती है, वज़न भी कम होता है, ग्रीन टी से हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पर एक उसका एक और पहलू है जिसके साइड इफ़ेक्ट। ओके, नुकसान भी है ग्रीन टी का, आपके कहने का मतलब? बिल्कुल नुकसान है। जैसे एसपी अभी आपने बताया कि आपके दोस्त की शॉप है जिसमें उसने ग्रीन टी मंगवाई और आपको भी पिला दी। जी जी। तो बेसिकली मैंने भी यही देखा है कि लोग अवेयर तो हैं, मीडिया उनको अवेयर कर रहा है, ग्रीन टी एड आती है उसमें बताते हैं कि इसमें कैटकिन्स है जो आपको वज़न कम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, पर ग्रीन टी के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ग्रीन टी आपको नुकसान कर सकती है। कितना कम, मतलब जैसे मेरा जो है, मेरा तो वैसे 14 है, पर किसका कितना कम होगा तो नहीं लेना चाहिए? अगर लेडीज़ की बात करें तो 11 तक होना चाहिए, जेंट्स की बात करें तो 13 भी चलता है, 13.5 चलता है, 12.5 चलता है। लेकिन जिनका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, जैसे 10.5 या 8.5, 10 से जिनका भी कम है या 11 से जिनका भी कम है, उनका हीमोग्लोबिन हम कम मानते हैं, बेसिकली RBCs कम हो जाते हैं। सो ग्रीन टी उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जिनका हीमोग्लोबिन कम है, या जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ग्रीन टी क्या करता है, आपके पल्स रेट को इंक्रीज़ कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, तभी आपका वज़न कम होता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या जो प्रेगनेंसी में है, जो लैक्टेशन में है, उनको ग्रीन टी का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है अगली बार जब ग्रीन टी आप पियेंगे तो उससे पहले अपना हीमोग्लोबिन और ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखें।